स्वागत और आपसे आग्रह कि आप अपने उद्बोधन से हमारे को मार्गदर्शन दें, आदरणीय प्रकाश करें। आज के इस प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नौजवान ऊर्जावान विनायक सिंह सैनी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनके साथ मुझे लंबे समय काम करने का सौभाग्य मिला, आप सबकी जो लंबे समय नुमाइंदगी करते रहे हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सम्मानी मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, हमारे जगमोहन आनंद जी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और बहन श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य और यहाँ उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के सभी गणमान्य सम्मान्य सज्जनवृंद और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे यहाँ चुनाव के दृष्टि से करनाल में आदरणीय मनोहर लाल जी के लिए, नायब सिंह सैनी जी के लिए औपचारिक रूप से निमंत्रण पत्र आप तक पहुंचाने का जिम्मा मिला है और मैं आप सबको वो बड़ी भारी मार्जिन से वो विजयश्री हो और दोनों सीटें आप जिताकर इनको भेजें, यह अपील मैं सबसे पहले आप सबसे करता हूं। मित्रों, पिछले 10 साल में भारत की राजनीति में बहुत कुछ बदली है और बहुत कुछ हम सब लोगों को देखने का भी सौभाग्य मिला है। यहां पार्टी को खड़ा करने में चार चार पीढ़ियां लग गई, पांच पांच पीढ़ी लग गई, खप गई। एक पीढ़ी तो ऐसी थी जिसने जमीनें बेचकर अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ा, कुछ पीढ़ियों ने संघर्ष में अपने आप को भुला और आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पल के चश्मदीद गवाह हैं जब भारतीय जनता पार्टी एक विशाल रूप में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति का डिस्कोर्स, चर्चा, नरेटिव, संस्कृति, कार्यशैली, रणधन, चाल चरित्र सबको बदला, सब कुछ बदला और यह भी हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। 10 साल पहले यही भारत भ्रष्टाचारी देश चला था, दुनिया की निगाह। 10 साल पहले यही भारत पिछलग्गू देश चला था, यही भारत के बारे में टिक्का टिप्पणी की जाती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया इज्जत के साथ और अग्रगणी देशों में देखती है, ये भी देखती है। 10 साल पहले हम एक तरीके से कहें तो भारत का साधारण मनुष्य, साधारण नागरिक, साधारण मानवीय एक निराशा के जीवन में था, उदासीन था, राजनीति से कुछ नहीं बदलने वाला, ये तो ऐसे ही चलेगा, सब एक ही जैसे हैं, कुछ बदलने वाला नहीं है, चलो वोट दे देते हैं, देखते हैं क्या होगा, एक उदासीन मानसिकता से हम गुजर रहे। आज वही भारत मोदी जी के नेतृत्व में
विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए चल पड़ा, ये भी हमको साधारण व्यक्ति समझता है कि हाँ हम विकसित भारत होंगे, ये उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, ये उसमें हौसला आ गया, ये उसमें ताकत आ गई। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बदलता परिदृश्य इसको हमको पहचानना चाहिए। एक समय में पॉलिटिक्स क्या होती थी, जाति की, धर्म की, इलाके की, भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, इलाके को इलाके से लड़ाओ और फूट करो राज करो, ये संस्कृति। आज मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके प्रयास से विकासवाद की राजनीति चल पड़ी, विकासवाद पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, सबको साथ लेकर के। और पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट के माध्यम से हमने, मोदी जी ने देश को ताकत दी, ये भी हम। एक दो बातें और बताना चाहूंगा। पहले जो गवर्नेंस था वो अनअकाउंटेबल था, आज जो नेतृत्व है वो अकाउंटेबल है। आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, मनोज जी खड़े होंगे तो गिनाएंगे कितने हाईवे बनाए, कितना स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कौन सी रेलवे लाइन चौड़ी की, कौन सी इलेक्ट्रिफिकेशन किया, कौन नई गाड़ी चलाई, कौन क्या काम किया। सैनी नहीं आएंगे तो वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। कभी आपने 10 साल पहले किसी को रिपोर्ट कार्ड रखते हुए देखा है क्या? कभी मैनिफेस्टो को किसी ने सीरियसली लिया था क्या? आज अकाउंटेबिलिटी की राजनीति है, आज परफॉर्मेंस की राजनीति है, आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। यह अंतर डिस्कोर्स में और नैरेटिव में हुआ है, इसको हमको समझना है। आज विपक्ष भी मजबूर है कि उसको भी कहीं ना कहीं विकास की बात करनी पड़ेगी, जो उसने 70 साल नहीं किया वो करना पड़ा। दूसरी बात, पहले जो कार्यक्रम बनते थे वो ड्राइंग रूम में बैठ करके बनते थे, वो पॉपुलिस्ट होते, बड़े बड़े आंकड़े रख दो, किसानों का कर्जा माफ होगा, किसी को मालूम नहीं कि कर्जा किसका कितना है, माफ कितना होना है, सरकार को कितना खर्च आना है, कोई मालूम नहीं। लेकिन पॉपुलर स्लोगन के कार्यक्रमों को रख सजा दो। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिएगा तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में अगर हम कहते हैं कि ये हम सुविधा देंगे तो साथ में हम ये भी बताते हैं कि इतने इतने हजार करोड़ रुपए लगेंगे, जिसकी हमने कैलकुलेशन कर ली है, यानी फैक्चुअल टारगेट्स को तय करना और डिटेल में जाना, यह भी हम लोगों ने। इसका फर्क क्या पड़ा है? इसका फर्क यह पड़ा है कि आज लास्ट माइल डिलीवरी, अंतिम व्यक्ति तक, जिसको आप लाभार्थी बोलते हो, जिसको आप बेनिफिशियरी बोलते हो, वह आज मोदी जी के राज में बिना सिफारिश के उस तक लाभ पहुंचना है, यह हमारी नीतियों की ताकत है। इसको बिना सिफारिश सब कुछ डिजिटल है, फॉर्म भरो। और प्रधानमंत्री जी ने तो अभी जो यात्रा चलाई थी उस यात्रा में तो घर घर डिलीवरी कर दी, गांव गांव जाकर के आयुष्मान के कार्ड बनाए, गांव गांव जाकर के उज्ज्वला के गैस का कनेक्शन दिया, गांव गांव जाकर और 100% सैचुरेशन पर लाने का काम, लास्ट माइल डिलीवरी। ये आज प्रधानमंत्री मोदी जी की संगठनात्मक और प्रशासनिक ताकत को दिखाता है और दर्शाता है। और इसीलिए आज सारी चीजों में एक फर्क आया है। अभी हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, आपको याद होगा कोरोना में हम लोग लगे हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय
एक पैकेज दिया था, वो 1,50,000-25,000 करोड़ का पैकेज दिया। एमएसएमई के लिए अलग से दिया था, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग से दिया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए अलग से दिया था। ये कांग्रेसी भाई समय चिल्लाने लगे, इससे क्या होगा जी, हम कैश चाहिए, कैश चाहिए, कैश चाहिए। क्यों इनको कैश इससे चाहिए होता है, क्योंकि सारी जिंदगी कमीशन की जिंदगी गुजरी है, तो इनको तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से तो इनको दिक्कत है, दुश्मनी है। लेकिन आज उसका नतीजा ये हुआ है, उस पैकेज का कठोर फैसला कोरोना के दौरान लिया कि आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत सुदृढ़ खड़ी हो गई। जब अमेरिका डगमगा रहा है, जब यूरोप डगमगा रहा है, जब जापान में मुसीबत है, जब चीन पिछड़ रहा है, तो भारत 11वें नंबर से छलांग लगा के 5वें नंबर पर। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने रेवड़ी नहीं बांटी, मोदी जी ने भारत को मजबूत किया। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना ने 25 करोड़ जनता को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया, 25 करोड़। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है कि भारत की अति गरीबी अब 1% से भी नीचे आ गई है, पॉइंट में आ गई, डेसिमल में आ गई। कभी सोचा था, कभी समझा था किस तरीके की बात होगी? लेकिन आज ये हम होता हुआ देख रहे हैं। बहुत से फर्क आए कोरोना की बात करूं, मैं कई बार सुनाता हूं, मुझे स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला, भारत का भी और प्रदेश का भी। हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस को दवा को आने में 25 से 28 साल, हमारे देश में टेटनेस की दवा को आने में 28 साल 30 साल, हमारे देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 से 30 साल, हमारे देश में जापानी बुखार की दवाई को और नेशनल प्रोग्राम बनने में 100 साल। ये हमारा देश, आप भी सुनते होंगे बचपन में 60 के दशक में टेटनेस की दवा विदेश से आ रही है, जल्दी मंगवाओ नहीं तो पेशेंट चला जाएगा, सुनते थे कि नहीं सुनते? आज कोरोना आया, 2020 को 27 जनवरी को पहला केस, 2020 की अप्रैल को टास्क फोर्स बैठाई गई, और 9 महीने के अंदर मोदी जी ने एक नहीं दो दो वैक्सीन बना करके भारत में, और सबसे बड़ी बात यह है कि 220 करोड़ डोज, डबल डोज, और उसके साथ साथ डबल बूस्टर, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तीव्र गति से चलने वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत का बन गया, दुनिया में हमारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 देशों को हमने वैक्सीन मैत्री में वैक्सीन पहुंचाई, 100 कंट्रीज, और 48 देशों को मुफ्त में हमने उनके उनको मदद के हिसाब से 48 देशों को हमने वैक्सीन पहुंचाई। आज भारत आत्मनिर्भर हो गया, मांगने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत है, इस बात को समझते हैं। पेट्रोकेमिकल्स में हम आ गए, इस बात में हम 4वें नंबर से 2वें नंबर पे आ गए। मोबाइल में हम 92% मोबाइल हम बाहर से खरीदते थे, आज 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। आपके हाथ में 10 साल पहले जो मोबाइल होता था उसमें लिखा होता था मेड इन ताइवान, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, आज आपके मोबाइल में लिखा है मेड इन इंडिया। एप्पल भी अब भारत में है। ये भारत का आर्थिक जगत की दृष्टि से देखा जाए तो हम अपने आप को सुदृढ़ होते हुए देखते हैं। दवाइयों में हम 2वें नंबर के मैन्युफैक्चरर बन गए, दुनिया को एक्सपोर्टर हम 2 हैं, सबसे सस्ती और असरदार दवाई आज भारत बना, और ये सब 10 साल के अंदर हुआ। आप बताइए, बुलेट प्रूफ जैकेट हम मंगवाते थे, आज बुलेट प्रूफ जैकेट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे फाइटर प्लेन्स बन रहे हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं। आप पहले सुना करते थे कि मिग का ट्रेनिंग के दौरान पायलट की डेथ हो गई क्योंकि मिग आउटडेटेड हो गए, आज रफेल का नया बेड़ा आ गया,
आज फौज किस तरीके से युक्त हो गई है ये भी आप जानते हैं, और हजारों किलोमीटर सड़क अरुणाचल से लेकर के लेह लद्दाख तक बॉर्डर पर बन चुकी है और डेढ़ दिन के अंदर हमारी फौज बॉर्डर तक पहुंच सकती है। इस तरीके की मैं तो बाहर से आता हूं, हम और मनोहर जी एक बार लेह लद्दाख गए थे, आप पूछिए, आर्मी का कन्वॉय चलता था, एक आगे हरी झंडी होती थी पीछे लाल झंडी होती थी, 40-40 ट्रकें जाती थी, एक ब्रिज पर जब सारी ट्रकें निकल जाएंगी तब पब्लिक को जाने का मौका मिलता था और उनको भी 3-3 घंटे रुकने का मौका मिलता था। आज डबल लेन, कोई किसी को रुकने की जरूरत नहीं है, पक्की सड़कें और पूरी ब्रिजेस के साथ बंद करके तैयार हो गई है अरुणाचल से लेकर के ले जाता है, ये विकास के काम है। तो चाहे सुरक्षा का विषय हो चाहे विकास का विषय हो, ये सारी चीजें, अगर मैं बात करूं तो गांव गरीब वंचित पीड़ित शोषित दलित युवा किसान सबकी चिंता होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर चौथे महीने 2000 रुपए मिल रही थी। अब देखिए क्या था, वो कहते थे कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, क्या था ये आंकड़ों का फर्जी बात, 57,000 करोड़ रुपए देकर छुट्टी पा जाते थे, 57,000 करोड़। आज मोदी जी के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में जाए, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में बार बार सुनाता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पीड स्केल और स्किल तीनों की चिंता की। हम लोगों को 1993-94 में जब हम एमएलए हुआ करते थे, तब एमएलए थे, तो एक पंचायत में 2 मकान मिलते थे, 2 मकान एक पंचायत, इंदिरा आवास योजना, और उसमें भी जानते हैं कांग्रेस क्या बोलते थे, ये इंदिरा जी कुछ पैसा छोड़ गई थी उससे बन रहा है, गांव में बरगलाते थे लोग, इंदिरा आवास योजना। आज मोदी जी ने 4 करोड़ आवास योजना में घर बना दिए, 4 करोड़, और मनोहर जी जाएंगे 3 करोड़ घर अगले 5 साल में और मोदी जी बना करके देंगे, 3 करोड़। और घर कैसा, ड्राइंग रूम बेडरूम किचन गैस का सिलेंडर और सिलेंडर के साथ साथ और टॉयलेट, और आने वाले समय में अब सिलेंडर भी नहीं रहेगा, पाइप से गैस पहुंचाई जाएगी और सस्ती गैस पहुंचाई जाएगी, उसकी हम तैयारी। ये बोलते हैं बिजली का बिल 200 यूनिट कर दिया, 150 यूनिट कर दिया, 300 यूनिट कर दिया, आने वाले समय में बिजली का बिल आपका 0 हो जाएगा, 0। प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त घर योजना, सौर ऊर्जा हर के घर पर लगेगी और सौर ऊर्जा से घर की बिजली चलेगी और जो आपके खर्च से बच जाएगी बिजली वो सरकार खरीद लेगी, वो आमदनी का जरिया भी हो जाएगा। इस तरीके से एक बहुत बड़ा अंतर है। अभी मनोहर जी के टाइम पर और जिसको आगे नायक सिंह सैनी जी ने चलाया है, हम पहले क्या कहते थे, चिट्ठियां लिखते थे, मुख्यमंत्री जी मेरे इलाके में गरीब व्यक्ति है, उसको कैंसर हो गया है, 3 लाख रुपए खर्च होंगे, उसका मकान बिक जाएगा, उसकी जमीन बिक जाएगी, वो इलाज नहीं करा सकता है, कृपया कुछ देने की अनुशंसा करिए। कुछ मांगते थे, कुछ मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग और गरीब लोग, मैं कई बार बताता हूं, ये हमारा जो सिलेक्शन है वो बाय प्रोफेशन है, रिक्शा वाला रेड़ी वाला फेड़ी वाला सब्जी वाला ठेले वाला बस का ड्राइवर कंडक्टर क्लीनर ट्रक का ड्राइवर ऑटो रिक्शा ड्राइवर लिफ्ट मैन सिक्योरिटी मैन बाल सैलून में बाल काटने वाला कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया, गंभीर बीमारी का हर साल आप समझिए, एक बार नहीं हर साल
आपका इस साल 2,03,000 खर्च हो गया, अगले साल फिर आपके 5 लाख खड़े, ये व्यवस्था थी। और मुझे खुशी है कि मनोहर जी ने चिरायु योजना में आज 1,25,000 लोग आयुष्मान और चिरायु में हरियाणा में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर है। और एक खुशखबरी सुन लीजिए, मनोहर जी को आप जब चुनाव जिता के भेजेंगे, तो इस देश का कोई भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, कोई भी बहन, कोई भी माता जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी इलाके के और किसी भी आमदनी के, अमीर या गरीब, सबको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिलेगा सबको। आप बताइए ये बदलता भारत है कि नहीं। मुझे याद है मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला एक बैठक में, वहां चर्चा होती थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मैं सोचता था पता नहीं अपने देश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो सकेगा क्या। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम आयुष्मान भारत आज धरती पर लागू हो गया, ये भी हम सोचते हैं। और गरीब लोगों को मदद मिल रही, गरीब लोगों को जो कभी सोच नहीं सकते थे, और प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हरियाणा का व्यक्ति अगर टाटा कैंसर हॉस्पिटल पुणे मुंबई में जाकर के इलाज कराता है तो मोदी जी का पैसा हरियाणा नहीं आएगा, सीधे टाटा कैंसर हॉस्पिटल को पहुंचता है और डायरेक्ट उसका ट्रांसफर हो जाता है पैसा। इस तरीके की व्यवस्था देश के किसी भी कोने में आपका इलाज हो, वेल्लोर जाओ, एम्स जाओ, जहां जाना जाओ, आपका इलाज मुफ्त होगा। आपको एक जिस दिन आप डिस्चार्ज होंगे उस दिन आपको एक मैसेज आएगा, आप डिस्चार्ज हो गए, आप बोलिएगा यस, आपसे पूछा जाएगा आर यू सेटिस्फाइड, आप बोलिएगा यस, जैसे ही बोलिएगा वैसे ही बिल सीधे कैश डिपॉजिट हो जाएगा उस हॉस्पिटल के खाते में जिसने आपका इलाज। कभी सोच सकते थे ऐसा भारत में होगा? और संख्या क्या है, 50 करोड़। अब दुनिया हमको डिजिटल सिखाई, सबसे बड़े डिजिटल प्रोग्राम तो हमारे यहां हो। अब बात कीजिए गांव की, मैंने आपको बताया गांव में मनोहर जी भी मेरे घर आए हुए हैं, पगडंडियों से आया करते, पगडंडियों से। आज सारे के सारे गांव बताइए पक्की सड़क से जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए, पक्की ऑल वेदर रोड हो गया कि नहीं हो गया, ग्रामीण सड़क योजना। नहीं तो गांव का मतलब तो ये होता था कि गया दिन, गया हफ्ता, गया गांव गया नहीं कि गया, पता नहीं किस दुनिया से निकल करके शहर में आते। आज की स्थिति क्या है, एक एक दिन में गांव वाले 4-4 शादियां अटेंड करते हैं, स्कूटर को मारते हैं कि गाड़ी को करते सेल्फ स्टार्ट और चलो, एक शादी, दो शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, 4 शादियां अटेंड करके घर में आके सोते है कि नहीं। ये बदलता भारत हुआ है कि नहीं हुआ? आप क्या 100% हर घर नल जल हो गया, बहने लाइन लगा करके खड़े रहती, बुरा हाल होता था। आज सैचुरेशन पॉइंट पर हम आ करके इसने विकास के नए नए आयाम, विकास के दृष्टि से देश को मजबूत करने का काम हमारे मोदी जी के सरकार ने हर तरीके से किया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसको कहना भी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरों में आवास बने, करनाल में भी बने, सब जगह पर इनका विकास की दृष्टि से जोड़ा जा रहा है। हाईवे आप बताइए, आपने यूपीए के टाइम में भी अपना नेशनल हाईवे देखा है, कभी तुम ब्रिज पर होते थे कभी ब्रिज के नीचे होते थे, घंटों घंटों पानीपत से लेकर के जाम लगता था, घंटों घंटों, मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? आज 28 किलोमीटर के हिसाब से प्रतिदिन नेशनल हाईवे बन रही है। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले सालों में 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे चला है। एलिवेटेड रोड, हाईवे, मेट्रो, हर दृष्टि से। हमारे हरियाणा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास हो गया कि नहीं हो गया, मेडिकल कॉलेज आए कि नहीं आए, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
करना स्मार्ट सिटी बन गई कि नहीं बन गई, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे। ये हमको समझना चाहिए कि ये सरकार जो है ये परफॉर्मेंस वाली सरकार। और मुझे खुशी है कि जब केंद्र सरकार सब कुछ देता रहा तो मनोहर जी भी पीछे नहीं रहे, इन्होंने भी नई नई स्कीम चला करके हरियाणा को पारदर्शी प्रशासन देने का काम किया और विकास की ओर ले गया। हर दृष्टि से पारदर्शी सरकार। इसलिए मित्रों, हम लोगों को अब ये समय है कि हम इसको समझें। मनोहर जी की मैं स्कीम्स नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक एक स्कीम गरीब को मदद देने वाली। आप केरोसिन फ्री हो गए सबसे पहले, एनवायरमेंट में सबसे बड़ा काम आपने कर दिया। आप डीबीटी में चले गए, ये हरियाणा को पर्चियों पर नौकरी देने के लिए माहिर था, माहिर बदनाम था। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? पारदर्शिता से एम्प्लॉयमेंट भी मिली और हमारे किसी भी इंप्लॉय को दर दर नहीं फटकना पड़ा। डिजिटल में उसने अपना डाला और उसकी ट्रांसफर मन मुताबिक हो गई, ट्रांसफर पॉलिसी भी हुई। ऐसी कई स्कीम। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं, ये वाली सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि आप वोट देने वाले नहीं हो, आप उनमें से हो जो वोट दिलाने की ताकत रखते हैं। आप कईयों को प्रभावित करते हैं, आपके बताए हुए लोग, आपके कहने पर चलने वाले लोग हजारों में हैं। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन बारीकियों को अपने ढंग से समझाना उनको बहुत जरूरी होता है। और ये जो उदासीनता की मानसिकता से मोदी जी ने देश को निकाला है, इसको हमको आगे बढ़ाना है। और इसीलिए हमारी ये प्रथम जिम्मेवारी हो जाती है कि हम चुनाव को उसी तरीके से लें और पूरी ताकत लगा करके चुनाव को जीतें। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहूंगा, मनोहर जी की मैं तारीफ करूं या नायब सिंह जी की तारीफ करूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप मनोहर जी को मुझसे ज्यादा जानते हैं, 10 साल इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यह कर्मठ, पक्के और कर्तव्य निष्ठ नेतृत्व तो इन्होंने प्रदान किया है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। अपने कर्तव्य को इन्होंने दिखाया और आपकी इन्होंने दिन रात चिंता की है, प्रदेश की इन्होंने दिन रात चिंता की। नायब सिंह सैनी अपने मधुर स्वभाव के साथ साथ सबके लिए काम करने के लिए आतुर है, नौजवान है, तमन्ना है। और मैं सबसे बात बड़ी बात कहूंगा कि आपके हाथ में तो दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों हाथों में लड्डू। अब इसको संभाल के रखना तो आपकी जिम्मेवारी है, तो इसको भी आप पूरा करें। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, हमारा विपक्ष दुर्भाग्य आज मुद्दा विहीन हो गया और ऐसी हरकत करता है, ऐसी हरकत करता है जो कभी राजनीतिक दल तो छोड़ो किसी व्यक्ति से भी आशा नहीं होती। ऐसी ऐसी हरकतें करते, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं। और बार बार बोलते बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। हां, सच्चाई है, बेरोजगार तुम हो गए हो और तुम्हारा परिवार हो गया है बेरोजगार, और कोई नहीं। देश की इकॉनमी आगे बढ़ रही है। आखिर 10 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, 10 लाख करोड़, 55,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनी है, किसी न किसी ने तो सड़क बनाई है, किसी न किसी को तो आमदनी हुआ है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज 2,000 करोड़ रुपए के बन रहे हैं। सारी रेल की इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई, 50,000 किलोमीटर की नई रेल की लाइन बिछ गई। 10 लाख करोड़ रुपए लगा है, 10 लाख करोड़ रुपए ने रोजगार नहीं दिया क्या? इनको इकोनॉमी का ई भी नहीं मालूम, ये जानते नहीं। हां, बेरोजगार कांग्रेस ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने आगे और भी करना है इनको बेरोजगार, तो होंगे होंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने परिवार को पाल रहे थे, सारा झमंडिया गठबंधन उठा कर देते। फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की चिंता, मुफ्ती साहब को महबूबा की चिंता थी, प्रकाश सिंह बादल की हम इज्जत करते हैं लेकिन सुखबीर बादल, चौटाला परिवार, अखिलेश, मुलायम सिंह ने अखिलेश जी को बिठा दिया, अखिलेश डिंपल को ले आए,
लालू ने राबड़ी को, राबड़ी ने तेजस्वी को, तेजस्वी ने तेज प्रताप को, तेज प्रताप ने मीसा को, मीसा ने विक्रमणी को, बचा को, बचा कौन? ममता को भतीजा ही पसंद आता है, बाकी सब जाओ जहां जाओ। केसीआर को केटीआर ही पसंद आता है, दामाद और कविता ही पसंद आती है। करुणानिधि को स्टालिन पसंद आता था, स्टालिन को उदयनिधि स्टालिन पसंद आता है। शरद पवार ने अजीत पवार को छोड़ दिया, सुप्रिया सुले बेटी के पीछे पीछे बेटी को लेकर के खड़े हो। उद्धव ठाकरे को आदित्य चाहिए। ये सब परिवार की पार्टियां, इनको कोई आप से लेना देना नहीं है और ये सब भ्रष्टाचार की पार्टियां, सब भ्रष्टाचार। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, पंडुबी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, चावल घोटाला, चीनी घोटाला, कौन सा घोटाला छोड़ा इन्होंने? कौन सा घोटाला छोड़ा? नेशनल हराने का घोटाला, लालू यादव चारा खा गए, अलकतरा खा गए, नौकरी के जगह पर जमीन हड़प गए, ममता के मंत्रियों के घरों से जखीरे निकल रहे, नोटों के बंडल के बंडल, 18-18 मशीनें लगानी पड़ रही है, 3-3 दिन तक काउंटिंग पूरी नहीं होती है, इतना तो बैंक में भी नहीं होता। अभी एक कांग्रेस का एमपी पकड़ा गया, 300 करोड़ से ज्यादा निकला, 18 मशीनें लगी काउंटिंग में, 3.5 दिन लग गए, तब जाके पता चला 300 करोड़ है। एक मंत्री है झारखंड का, मंत्री के पीए के नौकर के घर में 38 करोड़ रुपए मिले। बारे मंत्री के पीए का नौकर भी लक्ष्मी मेहरबान है। ऐसे ऐसे लोग ऐसे बोले, भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? सब है कि नहीं है? आप बताइए। डीएमके का उन्होंने बालू घोटाला कर दिया, केसीआर ने शराब का घोटाला कर दिया, और केजरीवाल तो नामी ठग है। मैं राजनीति में जाऊंगा, राजनीति में मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा, मैं कांग्रेस से उसको समझौता नहीं करूंगा, गलबैया लेकर के घूम रहे आपस में, मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, धर्मी दुर्व्यवहार कर दिया। क्या छोड़ा आपने? क्या रखा आपने? क्या मान मर्यादा रखी? और आप देखिए, राहुल गांधी जेल पर, सोनिया गांधी जेल पर, चिदम्बरम बेल पर, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर, लालू प्रसाद यादव बेल पर, हमारे ये अभी 20 दिन के लिए आए हैं, फिर 1 जून को जाएंगे। मनी आज मैंने से पूछा था पत्रकार से, मैंने कहा, बोले मुझे अरेस्ट करो, मैंने कहा बेल का बात कैंसिल करना, अपने आप अरेस्ट हो जाएगा, जेल तिहार पहुंच जाएगा। ऐसे ऐसे लोग, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, आजम खान जेल में, टीएमसी के मंत्री जेल में, हमारे डीएमके के मंत्री जेल में, ये सारे बेल पर ही है जेल में, ये भ्रष्टाचारियों पर। और दूसरी बात बताऊ, ये राम विरोधी बताना चाहिए लोगों, छोटी छोटी देखिए, कभी भी अपने ऊपर इल्जाम को चिपकने नहीं देते, जवाब ही नहीं देते, मैं हर जगह पूछ रहा हूं। आप बताइए, सोनिया गांधी की यूपीए की सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था कि राम काल्पनिक है? कहा था कि नहीं कहा था कि इसका ऐतिहासिक आधार नहीं है? कहा था कि नहीं कहा था कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है? कपिल सिब्बल ने कहा था कि नहीं कहा था कि कोर्ट की डेट आगे दो, जरा इसको बीजेपी को फायदा होगा? अटकाना, लटकाना, भटकाना और राम काल्पनिक बताना, ये राम विरोधी है कि नहीं है? ये किस मुंह से जाएंगे राम के दर्शन में? ठीक है, न्यास ने निमंत्रण दिया, लेकिन इनका जो 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 इनका अतीत है वो इनको इनका पीछा नहीं छोड़ता। ये सनातन विरोधी भी है। उदयनिधि स्टालिन ने बोला डेंगू है सनातन, मलेरिया है, ए राजा ने बोला कि HIV है, सोनिया गांधी चुप, प्रियंका ने तो सुना ही नहीं, राहुल को तो सुनना ही नहीं आता ऐसी बात, कोई जवाब नहीं।
कोई जवाब नहीं। और ये राष्ट्र विरोधी नहीं, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैं बार बार बोलता हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगे, क्या नारे थे? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आप भूल जाते हैं, मैं याद दिलाता हूं। और भारत होंगे टुकड़े टुकड़े, इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह, लगे थे नारे। अब अफजल कौन था? पार्लियामेंट में अटैक का मास्टर माइंड। सजाए मौत किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज। माफी किसने नहीं दी? उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। यानी प्रणब मुखर्जी कातिल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया, और अफजल के लिए तुम शर्मिंदा हो गए। और दूसरे दिन राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इन लोगों का साथ देने के लिए जाता है। बोलो, राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? कोई भी कांग्रेसी आए पूछना उससे क्यों नहीं माफी मांगी, और आपने उसको कैंडिडेट बना दिया, कैंडिडेट बना दिया लोकसभा का। जो बोले अफजल हम शर्मिंदा हैं, वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे। आपने ठीक कहा, ये स्थिति हो गई, इसलिए ये राष्ट्र विरोधी। बाटला एनकाउंटर में हमारा शर्मा पुलिस ऑफिसर मारा गया, मोहनचंद शर्मा मारा गया। और बाटला अकाउंट में टेररिस्टों को क्या कहा गया? सलमान खुर्शीद ने क्या कहा कि सोनिया गांधी फफक फफक के रोई, किसके लिए? आतंकवादियों के। बोलो, ये राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? ऐसे दोहरा चरित्र हो, ऐसा कारनामा हो, ऐसी पार्टियों को आगे आने दोगे क्या? जन जन की बातचीत में बताइए, सबको बताइए। अभी देखिए, मोदी जी ने 10 साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सारी योजनाएं कोई जाति के नाम पर है क्या? कोई धर्म के नाम पर है क्या? सभी धर्मों को लाभ मिला कि नहीं मिला? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेटर ऑफ स्पिरिट में पूरा किया कि नहीं किया? और आप देखिए, इन चालाकी से उन्होंने, चालाकी से अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया, माइनॉरिटीज विल बी गिवन स्पेशल प्रेफरेंस, दे विल बी टेकन केयर। अब उनकी माइनॉरिटी कौन है वो भी आप जानते हैं। सीए में उनको सिख नहीं दिखता, पारसी नहीं दिखता, जैन नहीं दिखता, क्रिश्चियन नहीं दिखता, हिंदू नहीं दिखता। हिंदू तो खैर मेजोरिटी है, लेकिन बाकी जो माइनॉरिटीज है वो नहीं दिखते हैं। मुस्लिम जो इस्लामिक देश के धार्मिक कारणों से प्रताड़ना के कारण भारत आए, उनके लिए दरवाजे खोलने का इंतजाम करने की बात। तो ये माइनॉरिटी को लाने का विषय क्या था? और राहुल गांधी आजकल कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर घूमता है, कहता है कि ये संविधान है, इसकी मैं रक्षा करूंगा। अंदर से पढ़ा कभी नहीं है, जानता नहीं है क्या लिखा हुआ, जो समझा ले वो बोल देते। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, और तुम्हारी सरकार ने आंध्र प्रदेश में 4 बार दलितों का और आदिवासियों का हिस्सा मार करके माइनॉरिटीज को तुमने आरक्षण दिया, और कोर्ट ने उनको प्रोटेक्ट किया। कर्नाटक में तुमने बैकवर्ड का, पिछड़ा का डाका डालने का काम किया, और वो माइनॉरिटीज को तुमने दिया। हमारी सरकार आई, हमने बदल डाला, हमारी सरकार कर्नाटक में चली गई, वो फिर से दे दिया। ये है इनका चेहरा, ये है इनका इनका दोहरा चरित्र, ये है इनकी सोच, ये किस तरीके से समाज में चालाकी से, किस तरीके से शुगर कोट में डाल करके जहर देश को दिया जा सकता है, इसकी तैयारी करते हैं। भाई को भाई से लड़ाते हैं, समाज को समाज से लड़ाते हैं। और इसलिए आज समय की आवश्यकता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश को हम मजबूत बनाएं, और हरियाणा भी 10 में से 10 प्लस 1 पूरे का पूरा 11 आप पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।